मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत दतिया में अभियान भरोसा की शुरुआत जनसमस्या निवारण शिविर से शुरू की गई। बता दें कि थरेड जनपद पंचायत सेमढ़ा में शिविर की शुरुआत लोगों के प्रति शासकीय कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से की गई, जहां अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध वेतन वृद्धि रोकने एवं उन्हें नोटिस जारी करने की भी कार्रवाई की गई। दरअसल दतिया में 30 ऐसे शिविरों का आयोजन होगा जिसमें 300 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। यहां ग्रामीण अपनी राजस्व और पुलिस संबंधित समस्या को लेकर निराकरण के लिए आ सकते हैं। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि जिले के नागरिकों में शासन के प्रति भरोसा पैदा करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। बता दें कि इन शिविरों में शासकीय सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं ग्राम रूरा कुलैत के राजस्व निरीक्षक ML शर्मा ने सीमांकन के मामले को समय रहते निराकरण नहीं किया, उनके खिलाफ एक वेतन वृद्धि रोकने, वहीं पटवारी आनंद जाटव द्वारा मुख्यमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना में किसान को राशि समय पर नहीं भेजने के कारण संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई। साथ ही ग्राम चकबैना के ग्रामीणों द्वारा जल योजना की शिकायत करने पर PHE के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। दतिया जिले के ग्राम थरेड में अभियान भरोसा, ये हमारा नवाचार है जिसमें SP साहब आते हैं, हम आते हैं, CO साहब आते हैं और जिले के सभी अधिकारी, ऐसे 10-10 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर बना करके, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो आधे दिन यहाँ बैठते हैं, ग्राम वासियों के एप्लीकेशन लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसमें अगर किसी कर्मचारी के लापरवाही से किसी भी व्यक्ति का कोई काम लंबे समय से रुका हुआ तो हम ऐसे लापरवाह कर्मचारियों की खोज करते हैं और 100% उसको पनिशमेंट सुनिश्चित करते हैं। और हमारा मैसेज है, हमारी कोशिश ये है कि जिले के सभी तहसील, सभी विकास खंडों के जो सारे अधिकारी जो ग्राम स्तर पे सेवा देते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग के हो, राजस्व के हो, हेल्थ के हो, शिक्षा के हो, महिला बाल विकास के हो और तमाम एग्रीकल्चर और पशुपालन, सभी सचेत हो जाएं। यदि कैंपों में आपके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत मिली, गाँव वालों ने कहा कि लंबे समय से आपसे बात करने के बावजूद भी आपने कोई काम नहीं किया, तो आपको 100% पनिशमेंट ऑन स्पॉट देंगे। मैं खुश हो जाऊंगा यदि किसी शिविर में, किसी कैंप में एक भी गंभीर शिकायत नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी और शाबाशी दूंगा उन सारे कर्मचारियों को जिन्होंने ये स्थिति लाई है। लेकिन यदि शिकायत आई तो मैं सबको मौका दे रहा हूँ। अभी पीछे कल हम उड़ी में बैठेंगे, उसके बाद उगमा जाएंगे और ऐसे 30 कैंप जिले में करेंगे और 10-10 ग्राम पंचायत के क्लस्टर से पूरे जिले को 30 कैंपों से 300 ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। और उद्देश्य यह है कि इसमें आम लोगों में एक भरोसा आए शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, अथॉरिटीज़ के प्रति भरोसा आए कि वास्तव में जो हम सब लोक सेवक हैं वो वास्तव में सच्चे लोक सेवक हैं और आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने वाले। दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।